हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पार गार्डन में। आज हम क्वेश्चन नंबर जो हमने एक सीरीज आरंभ की थी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, उसमें क्वेश्चन नंबर मेरा आज ये सेकंड लास्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके बाद 13 है, एक सारी ख़त्म है। क्वेश्चन नंबर 12 का आज हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में, एक वृत्त दे रखा है और रेखाएं एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 2 के बीच जो भी क्षेत्र बनेगा उसको हमको मान निकालना होगा। तो पहले हम इस वृत्त को पढ़ते हैं। इस पर ये भी लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजगल टू 4। आप इसको 4 को 2 को स्क्वायर, 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं किसका वृत्त वृत्त होता है। ये एक वृत्त है और जिसका केंद्र क्या होगा, जिसका केंद्र होगा 0,0। और त्रिज्या क्या होगी इसकी, इसकी त्रिज्या होगी 2। इसकी त्रिज्या हो गई 2। तो एक ऐसा वृत्त खींचेंगे जिसकी त्रिज्या 2 और जिसका केंद्र 0,0 होगा। तो आइए इस वृत्त को खींचते हैं। तो ये मान लिया हमने 2 है, इसका बाउंड जाएगा 2,0, इधर माइनस में हो जाएगा 2,0, और ये वाला हो जाएगा 0,2, और ये वाला हो जाएगा 0,-2। तो इन बिंदुओं से जो भी वृत्त खींचेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 को प्रदर्शित करता होगा। ये तो ये वृत्त खींच गया, और ये वृत्त आप समझ गए होंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजगल टू 4 को प्रदर्शित करता है, और रेखा एक्स इजगल टू 0। तो ये जो रेखा होती है वो एक्स इजगल टू 0 होती है, आपने पढ़ा होगा। और एक्स इजगल टू 2, यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा एक्स इजगल टू 2। ये तो इनके बीच हमको क्षेत्रफल निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि ये एक्स इजगल टू 0, एक्स इजगल टू 2, और वक्र जो इधर रखा है वृत्त का, उस वृत्त और एक्स 0 से 2 पर जो भी क्षेत्रफल बनना है, जैसे बनना है, तो इसका मान निकालेंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको 0 से 2 पर इंटीग्रेट इसको करना है वृत्त को। तो यहाँ लिख देना, इसको मान लेना वो पॉइंट, ये ए और ये बी। तो अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल बराबर ओ ए बी, ओ ए बी का क्षेत्रफल, लिमिट हो जाएगी इसकी 0 से 2, लिमिट हो गई 0 से 2 y और dx। अब यहाँ से y का मान निकाल लो, 0 से 2 यहाँ से y का मान निकाल लो, तो y स्क्वायर इजगल टू उधर जाएगा तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और अब यहाँ से y निकाल लेंगे तो इसको हट जाएगा, हो जाएगा अंडर रूट में जे। तो अंडर रूट में आ गया y की वैल्यू 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। आपने पढ़ रखा है इसको, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इंटीग्रल है, इसका फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। तो वो लगाते हैं, हम एक बार लिख देते फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये होता है एक्स अपान ए, एक्स अपान टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स एक्स अपान ए। तो आप ये लगाएंगे यहाँ पे, तो करते हैं एक बार, एक्स बाई टू तो हो जाएगा एक्स बाई टू अंडर रूट ये ए स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं कि 2 का स्क्वायर 4 ही आ जाएगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए का स्क्वायर नहीं कि 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा, यानी कि 4 बाई टू और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ले कितना यहाँ पे 2, तो ये 2 हो गया। लिमिट थी इसकी 0 से 2, एक बार रखना है अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, एक बार 2 रखो तो हो गया यहाँ पे 2/2, यहाँ पे रखेंगे 4, यहाँ पे रखेंगे 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 प्लस यहाँ रखेंगे ये कट किया जाएगा 2 2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ रखेंगे 2/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो जैसे ही आप लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ 0 रख देंगे
तो ये जीरो जब हो जाएगा ये बिल देगा 0/2 साइन 4 - x² की वैल्यू, फिर 0 का स्क्वायर प्लस ये कट किया जाएगा 2 और यहाँ रखेंगे 0, तो ये 4 से 4 घट गया, 0 आ गया। 0 गुणा इसमें करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, साइन इनवर्स 1 - ये 0 है, 0 गुणा इसमें होगा पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ बचा केवल 2 sin inverse 0, साइन इनवर्स 0 यानी कि साइन साइन की टेबल में 0 की स्केल होती है साइन 0 की, ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया, यहाँ से 0 गुणा 2 में होगा 0 हो गया। अब साइन की टेबल में 1 की स्केल होती है π/2 की, तो वहां से आ जाएगा साइन इनवर्स और ये हो जाएगा साइन 1 यानी कि π/2 माइनस, ये तो 0 हो गया पूरा, ये कट गया साइन इनवर्स साइन कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया π/2, 2 से 2 कट गया यानी कि पाई वर्ग इकाई। बहुत आसान क्वेश्चन था, आपने कुछ नहीं किया, आप एक रिपक देखा था, रिपक तो हमने खींच दिया था x=2 से 4 तक, यानी कि इसकी लिमिट हो गई 2 से 4 और हमने यहाँ से y का मान निकाला, ये आ गया, आपने इसका समाधान कर दिया और लिमिट एकदम उतना चला गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे वाला जो क्वेश्चन लास्ट है वो शायद इससे भी आसान है, उसको हम एक छोटे से वीडियो में इसको करा देंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे।